तो गाइस फाइनली अपने फ्री फायर में आ चुका है न्यू वीपन राज, जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो न्यू ग्रोजा की गन स्किन आ चुकी है। एंड गाइस आप लोगों को ओनली फॉर वन स्पिनर कैसे निकल सकता है उसके बारे में टिप्स एंड ट्रिक के बारे में गाइस बात करने वाले हैं। और गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो मेरे पास 20 वीपन राज वाउचर है, ठीक है। तो मैं इसमें 20 स्पिन करने वाला हूँ, क्या पता मेरा लक साथ दे दे और निकल जाए, ठीक है। तो इसमें ट्राई करेंगे। और यहाँ पे देख सकते मेरे पास जो लक है ना 0 है। और गाइस गन स्किन की बात किए तो काफ़ी ओपी वाली, यहाँ पे देख सकते हो यार काफ़ी ओपी वाली इसकी एनिमेशन दिया गया। एंड एट्रीब्यूट की बात के लिए जिसमें डबल एक्यूरेसी एंड पेंट्रेशन आपको 1 पॉइंट प्लस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अभी हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को वन स्पिन में कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना बिना स्किप के, ठीक है, तभी जाकर कब समझ में आएगा। एंड अगर आप लोग कुछ भी गलती करते हो तो आपका वन स्पिन ट्रिक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको लेना डीजे एडम को, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग को यूज़ करना है। तो वाइस डीजे एडम को लेने के बाद आपको पेड़ में जाकर के वहाँ से पेड़ को अनइक्विप कर देना है। एंड यहाँ पे अगर आपके पास बैकपैक है तो अगर सोलो भी में तो इसको अनइक्विप कर देना है। एंड गन या कोई भी कटाना हो हैंड में है तो उसको अनइक्विप कर देना है, सोलो भी से हटा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सभी हटा दिया हूँ। एंड यहाँ से आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको सेटिंग ऑप्शन पर चले आना है। गाइस देखो मैं हर बार यही ट्रिक बताता हूँ और काम भी करता है, ठीक है ना। तो आप लोग बोलते हो कि भाई हर बार यही बताते हो यार, तो मैं क्या बताऊँ भाई लोग, ठीक है। जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर कैश कर देना है, ठीक है। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटे छोटे रिक्वेस्ट है यार, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ यार भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना। एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ गाइस बेल आइकन वॉल पे सेट कर देना ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए गाइस बिना समय गवाए यहाँ पे हम स्पिन कर देते हैं। सबसे पहले आपको गोल्ड रॉयल में स्पिन करना है, ठीक है ना। उसके बाद से 2-3 टाइम स्पिन करने के बाद आपको आ जाना वीपन रॉयल में। तो यहाँ से हमने स्पिन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे वीपन रॉयल में आने के बाद क्या करना है, आपको गन पे बार बार टैप करके अगर आपके पास 10 बाउचर है ना तो 10 बाउचर पहले ही स्पिन करना, अगर नहीं है तो आप लोग वन स्पिन कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने 10 स्पिन किया, देखते गाइस क्या निकलता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यार, वो भाई साहब यहाँ पे मुझे मतलब क्रोजा के देख सकते हो गन स्किन निकला जो मेरे पास पहले से था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ तो परमानेंट निकला, बट यार यही बोला जाए चलो, तो यहाँ पे मेरे पास अभी 10 है तो इसको हम वन वन करके स्पिन करेंगे, क्या पता निकल जाए, ठीक है। तो गाइस अब हम फिर से वही काम करने वाले हैं, यहाँ पे वन स्पिन करेंगे हर बार की तरह और गन पे बार बार टैप करेंगे एंड वन स्पिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने तकरीबन 9 स्पिन किया था और मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब ठीक है ना। तो यहाँ से आपको अगर नहीं मिल रहा है बहुत सारा स्पिन किया हो तो यहाँ से आपको क्लियर कैश करके एक बार और मतलब करेक्टर पर सेलेक्ट कर लेना है फिर से डीजे एडम को ही। उसके बाद से आपको आ जाना लक रॉयल के अंदर। एंड गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, गोल्ड वाले में जाकर के स्पिन करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने स्पिन कर दिया है। उसके बाद से गाइस आ जाना आपको वीपन रॉयल में। एंड गाइस यहाँ पे मेरा लास्ट स्पिन बचा है, तो देखते हैं गाइस क्या निकलता है कि नहीं। तो चलो गाइस मुझे लगता है कि परमानेंट कुछ निकलेगा। तो गाइस यार क्या लगता है, अरे भाई साहब कुछ नहीं निकला। तो गाइस देखो यहाँ पे परमानेंट तो निकला, बट गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को क्या निकला, दूसरे गन का स्किन परमानेंट निकल चुका है, ठीक है, जो मेरे पास ऑलरेडी था, ठीक है। तो गाइस आप लोग इस ट्रिक का यूज़ करना, 100% गाइस आप लोगों का निकल जाएगा। अगर गाइस आप लोगों के पास 30-40 वाउचर हैं तो आप लोगों का 100% में कन्फर्म हो कि आप लोगों का निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ गाइस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, ठीक है ना। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो अभी तक के बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.